हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू की चिले, जो बहुत ही मजेदार है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 आलू। आलू को मैंने छील के अच्छे से धो के इसको साफ कर लिया है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इस कसनी से आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी साइज के मैं इसको कस लूंगी इस तरह से। तो ये मेरा हो चुका है, देखिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से साफ पानी में डाल के इसको, इसका जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है उसको हम साफ कर लेते हैं। और हम एक स्ट्रेनर में इसको छान लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसको पूरी अच्छे से इसका पानी निकाल लेते हैं। अब इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूं कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह आप बेसन भी यूज कर सकते हैं इसमें। और इसको मैं 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया, आप पैन की जगह तवे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। मैंने गैस को लो से मीडियम फ्लेम में रखा है और इसको मैं अब इसमें डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से फैला देते हैं चारों तरफ। हम इसे अब दूसरी साइड पलट देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक चुका है ये। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ इसमें, और इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे सिकने में। ये बन के रेडी है। अब मैं इसको गार्निश करती हूँ वो कुछ बारीक कटे हुए ऑनियन के साथ, बारीक कटे हुए टमाटर। थोड़ी सी हरी मिर्च आप डाल भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और ये गया इसमें भुजिया।
ये रेडी। आप इसको टोमेटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही मजेदार।